नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 10वीं और 12वीं एग्जाम डेट है वो घोषित हो चुकी है। 55 दिनों तक आपकी परीक्षा है वो चलने वाली, कब से परीक्षा शुरू हो रही है, कब इसका टाइम टेबल आया, लेकिन अभी तक राजस्थान बोर्ड ने ब्लूप्रिंट भी जारी नहीं किया। ब्लूप्रिंट आखिर कब आएगा, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो पूरा एकदम नोटिस है वो आ चुका है, साइड में आपको नोटिस भी दिखाऊंगा एकदम, ठीक है। इस नोटिस में पूरा लिखा हुआ है 10वीं और 12वीं एग्जाम डेट है वो घोषित हो चुकी है और कब से स्टार्ट हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ 15 फरवरी से आपके वो स्टार्ट है वो हो जाए 15 फरवरी से, और जो कि किसने तक है वो चलेगी 10 अप्रैल तक है आपके जो परीक्षा है वो चलने वाली है। जी हां, 10 अप्रैल तक। उसके बाद परीक्षा कितने दिनों तक चलेगी, परीक्षा आपको 55 दिनों तक है वो चलने वाली है। और अब आपके पास टाइम कितना बचा है, तो एक तो दिसंबर महीना बचा है और एक जनवरी महीना बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके बाद 15 दिन जो बचे हैं वो तो आपके लिए क्या है, रिवीजन करोगे उसमें, ठीक है, पूरा रिवीजन करोगे, जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करोगे। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे, 2 महीने भी नहीं बचे, उसके बाद तो आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे। जैसे कक्षा 12वीं के स्टूडेंट है उनके जनवरी में स्टार्ट होंगे, मैं आपको आगे डेट भी बताऊंगा प्रैक्टिकल की, तो उनके प्रैक्टिकल भी होंगे, दिसंबर में अद्वैसी परीक्षा भी है, तो टाइम है वो बिल्कुल भी नहीं बचा है आप, है ना। और इसमें देखिएगा प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कब होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 1 जनवरी से होगी। प्रैक्टिकल किन क्या होते हैं, 12वीं क्लास के लिए होते हैं, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, भूगोल है, ठीक है, इनके हैं प्रैक्टिकल होते हैं जो कि 1 जनवरी से आपके वो स्टार्ट हो जाएंगे। पूरा नोटिस आ चुका है, साइड में मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन है वो दिखा दूंगा, ठीक है। और ब्लूप्रिंट है अभी तक नहीं आई है, ब्लूप्रिंट के बारे में क्या अपडेट है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि परीक्षा है ना आपकी जो अर्द्धवार्षिक परीक्षा है वो 11 दिसंबर से शुरू हो रही है ना, तो 11 दिसंबर से शुरू हो रही है, तो उसमें उससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि भाई जो अर्द्धवार्षिक परीक्षा है वो बोर्ड पैटर्न पर होगी। बोर्ड पैटर्न हमें कैसे पता चलेगा, जब ब्लूप्रिंट आएगा, तो ब्लूप्रिंट इसका मतलब है वो आपका अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले पहले वो आ जाएगा, ठीक है, अभी दिसंबर के पहले सप्ताह में मान के चलेगा आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो आपका जो है ना प्रश्न पत्र छपेगा, तो प्रश्न पत्र छपेगा कैसे, बोर्ड पैटर्न पर, है ना। तो बोर्ड पैटर्न हमें कैसे पता चलता है, वो ब्लूप्रिंट आएगा तभी पता चलेगा ना। तो इस प्रकार है आपका जो है ना अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले पहले ब्लूप्रिंट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप मान सकते हो दिसंबर के पहले सप्ताह में आ जाएगा, ठीक है। अब जाता है वो दिन है वो नहीं बचे हैं ब्लूप्रिंट में, और फिर 10th क्लास पेपर, जो 10th क्लास का पेपर होगा उसमें कितने क्वेश्चन है वो आएंगे, ठीक है। तो आप उसमें लिखा हुआ पूरा नोटिफिकेशन में 50 प्रश्न आएंगे, कितने आपके टोटल 50 क्वेश्चन है वो आएंगे, और टाइम टेबल कब आएगा 10वीं और 12वीं का वो भी मैं आपको बता दूंगा, पूरे डाउट क्लियर करूंगा A to Z। कोई भी डाउट बच्चा है कमेंट में जरूर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको टाइम टेबल, अर्द्धवार्षिक परीक्षा का, बोर्ड परीक्षा का, प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड सारी न्यूज A to Z है, नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाता है वहां पर हम शेयर कर देते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और फिर है देखिएगा 10th क्लास का मैंने बताया 50 प्रश्न आएंगे, ठीक है, और 12th क्लास है उसके कितने आएंगे, तो 12th क्लास के आएंगे 40 क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इसमें क्वेश्चन क्या क्या है वो होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, हर साल है की तरह इस बार भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब अति निगुणात्मक, लघुरात्मक, निम्नात्मक, ठीक है, आपकी पसंद है ना, तो लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव, ये सारे टाइप है वो क्वेश्चन के रहने वाले हैं, ठीक है। और फिर मैंने एक और वीडियो भी बनाया था, उसमें पूरा बताया था कि कितने क्वेश्चन है वो आएंगे, तो वो आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। और अब आप भी डैशबोर्ड लेने की सोच रहे हो कि डैशबोर्ड है वो कौन से लेनी है, संजीव डैशबोर्ड लेनी है या फिर एक्सलेंट डैशबोर्ड लेनी है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, अभी आपको बताया डैशबोर्ड भी नहीं आया, तो डैशबोर्ड है ना आप मान सकते हो जनवरी में आ जाएगी आराम से, जनवरी दिसंबर, जनवरी तक है वो आराम से वो आ जाएगी, दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी फर्स्ट वीक तक आपको आपके बाजार में डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाएगी। और डैशबोर्ड कौन सी खरीदनी है वीडियो बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको जाकर देख लेना, किसमें ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, कौन सी अच्छी होती हैं, किसमें से ज़्यादा सवाल आते हैं, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। अब देखिएगा मैंने 10th 12th एग्जाम डेट बता दिया, 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक आपकी परीक्षा चलेगी, और इसमें जो आपका है कितना दिनों तक चलेगी, मतलब 55 दिनों तक हम चलने वाली है। प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होंगे, तो 1 जनवरी से आपके शुरू हो जाएंगे, और ब्लूप्रिंट है वो कब आएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, दिसंबर में आपके आ जाएंगे, दिसंबर पहला सप्ताह, ठीक है, 5-7 दिन मान सकते हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और फिर 10th क्लास पेपर में जो आपका पेपर होगा 10th क्लास का, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, और आप कह रहे हो कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 8th क्लास के भी होंगे, तो उनको बता देता हूँ उनके भी एग्जाम है 10वीं क्लास के साथ होंगे, लेकिन टाइम टेबल है थोड़ा बाद में आएगा, ठीक है,
और टाइम टेबल मैंने अभी बताया नहीं है ना, टाइम टेबल है वो कब आएगा, तो टाइम टेबल आपका है, वो टाइम टेबल आ जाएगा आपका आराम से जनवरी में, ठीक है, जनवरी, जनवरी के पहले सप्ताह में है ना, जनवरी के पहले सप्ताह में, या फिर दिसंबर के लास्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक में, या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में, ये दो ये पॉसिबिलिटी है वो बनती है टाइम टेबल को लेकर। और फिर है ट्वेल्थ, मैंने बता दिया कितने क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ 40 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग, दसवीं क्लास के लिए भी यही है ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है। और बाकी कोई भी जानकारी नहीं बची है व्हाट्सएप जन जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।